नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू। और हमारे आज की खास मेहमान हैं सुभाष गोरिया जी, हिंदू नेता हैं, शिवसेना में 15 साल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष साहब आपका। नमस्कार। पूरा वाकया क्या हुआ आपके साथ में, किसने आपको धमकी दी और क्या, कहाँ तक कार्रवाई अभी तक पहुंची है? पुलिस सुनवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो किन पक्षों की कर रही है, और आप क्या बात जो है रखना चाहते हैं जो लोगों तक जो है पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों तक। जी देखियो, मैं एक समाज सेवी हूं और 2 बार एमपी चुनाव लड़ चुका हूं, 2 बार विधायक का चुनाव जलंधर वेस्ट से लड़ चुका हूं। और मैंने हमेशा ही समाज की और देश की हित में बात की है। मुझे कभी भी कोई थ्रेट नहीं आई। 2022 से 23 नवंबर से मुझे थ्रेट आनी शुरू हुई और फरवरी महीने तक आती रही। मैंने धरने लगाए अपने साथ, जो मैं अपने समर्थकों को लेकर, मेरी आवाज सुनवाई नहीं देती थी और प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता था। और जो खालिस्तानी था, संदीप खालिस्तानी, वो मुझे धमकियां देता था, जिसकी मैंने पूरी फाइल दे दी और पुलिस कमिश्नर को मिलकर, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक दिन मेरी पत्नी जो प्रवीण गोरिया है, वो सरकारी राशन की दुकान चलाती है, जी जी सरकारी राशन की दुकान चलाती है, और 11 नवंबर 13 नवंबर को यहाँ गेहूं थी, सरकारी आई हुई थी। हम गेहूं बांटने का कार्य हम अभी शुरू ही कर रहे थे तो थाना भार्गव नगर और थाना 5 की पुलिस ने मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बेटे जो 13 साल का था उसे भी उठा लिया, और जो यहाँ गेहूं लेने आए थे लोग उन्हें भी उठा लिया और 188 का मुकदमा दर्ज कर दिया और 751 लगाकर हमें जेल भेज दी। और मैंने मानजोग हाई कोर्ट में इसकी पटीशन डाली हुई है और अलग अलग दो रिट डाली हुई है इंसाफ के लिए। तो मेरे साथ जो धक्का हुआ है, अब जब जिमनी चोन हुई है, उपचुनाव हुआ है, उसमें सुशील कुमार रिंकू हमारे यहाँ एमपी इलेक्शन जीते हैं और उनके साथ हमने चोन प्रचार किया, उनको जिताया और लोकसभा में भेजा। रिंकू जो एक ईमानदार अच्छी छवि वाले इंसान है, सभी ने हमारे यहाँ उनको ही इस बार आप वोट डाली और उनको एमपी बनाकर लोकसभा में भेजा। और मैंने शिवसेना छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और इसी के लिए की, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है सरदार भगवंत मान, उनकी एक सोच है भी जहां जात और धर्म के नाम पर नहीं है, इंसानियत के नाम पर है। भगवान ने ना हमेशा धरती पर 2.5 इंसान भेजे हैं, नर नारी और किन्नर। हम लोगों ने उनको जातों में बांट दिया है। मैं शिवसेना में भी रहकर सभी समाज के जो हिंदुस्तान के वसनीक है उनकी बात करता था, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता था मैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता था, जहां नशा तस्कर हो, लाठी तस्कर हो या आतंकवादी हो, मैं इनके खिलाफ बोलता था। और 23 नवंबर को मुझे विदेशी नंबरों से फोन आने शुरू हो गए, विदेशी नंबरों के अलावा मुझे लोकल नंबरों में आने शुरू हो गए। फिर 3 फरवरी रात को जलंधर के ही बड़े शिवसेना नेता, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो शिंदे ग्रुप है और शिवसेना टांगरी ग्रुप के जो अध्यक्ष है जलंधर के और पंजाब के, वो लोग मेरे दफ्तर घ्योरिया कॉम्प्लेक्स में रात आए 11:47 पर, और जो मेरे फ्लैक्स लगे हुए थे उन पर उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मुझे गाली, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरी बहन को इतनी अश्लील गाली निकाली जिसकी मैंने ऑडियो वीडियो सभी पुलिस कमिश्नर को सौंप दी है और पूर्व प्रूफों के साथ दी है। और पुलिस कमिश्नर ने जो सारा मामला है डीसीपी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया, डीसीपी क्राइम को, जिसका एफआईआर है, जिसका नंबर है 582-6/2/2023। 23 उन्होंने सारा मामला एडीसीपी हेडक्वार्टर को सौंपा, उन्होंने एसीपी हेडक्वार्टर को जो सारा मामला सौंप दिया,
उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर डीसीपी साहब को भेज दिया है और आज ही हम डीसीपी साहब से मिलकर आए हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे उम्मीद है जो पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल है वो हमें इंसाफ देंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो मानिए हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तमाम नेता हैं पंजाब के अंदर, तमाम हिंदू नेता हैं, आपको क्यों टारगेट किया गया, उसकी क्या खास वजह क्या मुझे रही, बहुत तो सारे ये नेता नहीं थे। मालूम है, मुझे नहीं, जहां और भी लोगों को थ्रेट आई थी, हिंदू नेताओं को थ्रेट आई थी, इनके पीछे क्या सच है ये तो पुलिस का काम है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कौन आदमी ये काम करवा रहा था। और ये आदमी जो मुझे थ्रेट देते थे, वो जो थ्रेट देता था पाकिस्तान से, संदीप खालिस्तानी, उसने मुझे 2 फरवरी 3 फरवरी को रात को फोन किया भी तुम घर से बाहर मत आना, ये लोग तुझे मारना चाहते हैं, ये मुझे जो मैं धमकी देता था इनके कहने पर देता था, इन नेता के जो एक नेता था रोहित जोशी जो शिवसेना शिंदे ग्रुप का है, दूसरा विनय कपूर जो शिवसेना टैंगरी ग्रुप का है, उनके साथ एक दूध बेचने वाला है सोनू भगत, ये तीनों लोगों ने मुझे इतनी अश्लील गालियां निकाली और मुझे मारने की धमकी दी और अपनी रिवॉल्वर निकाल कर एक मारू हथियार लेकर मेरे घर पर, मेरे दफ्तर पर आए थे, और जिसकी मैंने फुटेज, सीसी फुटेज भी दी दी है, लोकेशन भी उस वक्त की मैंने पुलिस को दी है। और मैंने तो एक ही मांग की है कि जो सच है उसको सामने लाया जाए, जो देशद्रोही है लोग शिवसेना का चोला डालकर पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, जो पंजाब के अंदर पुलिस है, जैसे आपके पीछे तस्वीर के पीछे जो आप जहां बैठे हैं, और वहां दो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, एक भगत सिंह की जिनको जी शहीद आजम भी कहा जाता है, और दूसरी तस्वीर जो है अम्बेडकर साहब की लगी है, जी जिन्होंने जो संविधान के शिल्पकार भी जो है बताए जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों तस्वीरों पर पंजाब की पुलिस और पंजाब की जो सरकार है वो सही ढंग से जो है काम कर रही है, पंजाब की पुलिस पूरा सहयोग दे देखिए रही है, जिन पर देखिए कार्यवाही ना, होनी चाहिए उन मैं पर कार्यवाही कर रही है लगातार? जी, पुलिस को लेकर के क्या देखिए, जो कहेंगे? 70 वर्ष पहले, आज से 70 वर्ष पहले था, पॉलिटिकल शासक प्रेशर था, उसी अकॉर्डिंग में पुलिस कर रही थी। अब जब का भगवंत मान ने पंजाब में आए हैं, आस्ता आस्ता सभी कुछ ठीक होता जी है, ठीक होता है। और मुझे विश्वास है कि जलंधर की जो पुलिस है इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस मामले को पूरा गंभीरता से ले रही है, मुझे लगता है एक दो दिन में पर्चा दर्ज हो जाएगा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता, ये तो क्लियर ही कह रहा हूं, मैं माननीय हाई कोर्ट में याचिका, तीसरी याचिका दायर करूंगा इंसाफ के लिए। विदेश के लोग पहले जब तो मुझे फोन उम्मीद करते है हैं कि उन मुझे तक आपके पुलिस नंबर कमिश्नर पहुंचते कुलदीप हैं। चाहल से उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, वो एक ईमानदार नेक और साफ सुथरे छवि वाले एसी अपने सीपी लगे हैं हमारे जलंधर में, जबकि लगे हुए क्राइम कम हुआ है यहाँ जलंधर में, पहले बहुत क्राइम था। शिवसेना के ही लोग, एक शिवसेना के इतने बड़े लीडर पर जिन्होंने बरसों से सेवा की है, और वो इस तरह से टारगेट अगर कर रहे हैं तो लगता नहीं है कि आने वाले समय में संस्थाएं जो है अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, अगर उनके जो है पुराने और आवाज विश्वसनीय उठाने लोगों पर वाला अगर खत्म हो इस तरह से जाएगा, उनको फंसाने का कार्य होगा। सच की आवाज उठाता है ना जी, जो देश के लिए आवाज उठाता है, जो देश का खाता है, उसी देश के खिलाफ जो जहर उगलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पाकिस्तान में भेजना चाहिए। हम भारतवर्ष के हैं, भारतवर्ष में रहते हैं और अपने भारतवर्ष के लिए लड़ते हैं, जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर थ्रेट दवा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी जी हो, पास बिल्कुल, सैनिक हो या अदर हो। कोई अपील करना आप चाहेंगे, आप सरकार को, या कोई बात अपनी पहुंचाना चाहेंगे अधिकारियों तक, जो बात आपने खुद पुलिस को न बता पाई हो और आप चाहते हो कि जिम्मेदार अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचे, आप अब आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं, हालांकि क्या जिम्मेदारी मिली है ये भी मैं जानना चाहूंगा, और साथ ही क्या शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाएंगे, आपको ये आपका मैसेज है जो आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली भी आपकी इस बात को सुने और वो भी आपको जो है समर्थन दे जिस पार्टी में आप हैं, क्योंकि आप शिवसेना छोड़ के, और दूसरा शिवसेना से भी आप कुछ कहना चाहेंगे जहां से आप निकले हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज है?
चाहे वो नेतृत्व तो आपका जालंधर का हो या फिर वो मुंबई का, महाराष्ट्र का हो। जी मैं निवेदन करता हूँ बाला साहब ठाकरे, उदय ठाकरे जी से, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं वो, भी पंजाब में लोग शिवसेना के नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं और इनका कारोबार देखा जाए, जो लोग डिफॉल्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो लोग डिफॉल्टर हैं, जो शिवसेना के चोला डालकर चोला डालकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके काले चिट्ठे मैं जल्द ही खोलने जा रहा हूं, जो मसाज पार्लरों के नाम वालों से पैसा इकट्ठा करते हैं, भू माफिया से पैसा इकट्ठा करते हैं और हॉस्पिटलों तक में जाकर पैसा इकट्ठा करते हैं, ट्रेवल एजेंटों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उन सभी की सूची मेरे पास आ चुकी है जिन लोगों से इन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं, जो शिवसेना का चोला डालकर धंधा करते हैं, उनका सारा काला चिट्ठा मैं जल्द ही पुलिस कमिश्नर को भी देने जा रहा हूं और एक काला चिट्ठा मैं उदय साहब ठाकरे जी को भी भेजने जा रहा हूं, इन लोगों के खिलाफ जो ये धंधा करते हैं। और कुछ लोग तो बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही काम करते जा रहे हैं, अभी उनकी पार्टी में, उनकी पार्टी में भी नहीं है। हाल में एक जलंधर में एक पर्चा दर्ज हुआ है, उसमें भी लोगों को गुमराह कर और धमकाकर ठगी मारते थे और विजिलेंस ने उनको अपने शिकंजे में लेकर पर्चा दर्ज किया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब दूसरा मामला मान लीजिए, बहुत बड़े नेता बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे जो है हिंदुत्व के बहुत बड़े जो है नेता कहे जाते थे, लेकिन उनको वो पहचान जो उत्तर भारत में उनको मिलनी चाहिए वो कभी मिल नहीं पाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पंजाब में शिवसेना बनाम कभी कांग्रेस चलता रहता था, और जब उस समय भी जब कांग्रेस और शिवसेना एक हो गई उसके बावजूद भी ये जो युद्ध जो लगातार जो चलता रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? आज तक मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि पार्टी जो शिवसेना है वहां पर क्या कोई संगठन भी ऐसे है जो शिवसेना के नाम से चल रहे हैं जिनका शिवसेना पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब भी बात शिवसेना पार्टी नहीं कही जाती है, शिवसेना बोला जाता है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि वो क्या कौन सी शिवसेना है जो यहाँ के लोग जो तिलक लेकर के और ये सारा कुछ जो है, जैसे काली माता के मंदिर में एक बार जो है वो हो गया झगड़ा और उसके बाद में सिखों के साथ जिस तरीके का हुआ, ऐसा शिवसेना में तो कुछ है नहीं, तो वो क्या है शिवसेना बनाम शिवसेना कोई हो चुकी है पंजाब में? जी शिवसेना तो एक ही है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे। अब दो गुट हो चुके हैं, एक शिंदे ग्रुप, एक बाला साहब उदय ठाकरे ग्रुप, और दोनों ही रजिस्टर है, दोनों के चुनाव चिन्ह अलग अलग है, और पंजाब में दो गुट है, और पंजाब में जो बाकी शिवसेना है वो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, संगठन है वो, राजनीतिक पार्टी नहीं है, संगठन है। और संगठनों में कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जो संगठनों को की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं, उनकी जानकारी भी संगठनों के जो संस्थापक हैं, जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उनके पास है, वो अपने तौर पर उनको पर कार्रवाई करें। जी जी लेकिन क्या इससे प्रभावित नहीं होता है नाम, जब शिवसेना का कोई व्यक्ति कर दे तो और वही शिवसेना दूसरा तो प्रधान बोला जाता है, तो है मुझे लगता है कि पुलिस की पुलिस 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 जी जो पंजाब के प्रमुख में शिवसेना में उदय ठाकरे के जोगराज शर्मा है, जो पिछले 15 सालों से प्रमुख चलते आ रहे हैं, भला बाला साहब ठाकरे में थे, वो एक ही निशान था तीर कमान, अब उनकी मशाल है, ऐसे चल रहा है। लेकिन अब कोई खतरा है आपको परिवार को लेकर के, अब आप निश्चिंत हैं कि अब आपकी सरकार आपके साथ में है? 2017 में बब्बर खालसा के 7 आतंकवादी, जी 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 बोलिए आवाज आ रही है, खालसा के 7 आतंकवादी लुधियाना पुलिस और इनकाउंटर इंटेलिजेंस ने पकड़े थे, उनकी जब पूछताछ की गई थी तो उस वक्त उन्होंने ये कबूला था कि जलंधर के 2 शिवसेना नेता हमारे निशाने पर थे, एक विनय जलंधरी और एक सुभाष गोरिया, और मेरा दफ्तर था उधम सिंह नगर दूरदर्शन के पास, वहां मेरे दफ्तर को आग भी लगा दी गई थी, और मेरी 2-3 बार रैकी भी हुई थी, जे पुलिस को जानकारी है, खुफिया विभाग के पास भी जानकारी है, जब मैं खुद तो कह नहीं रहा, पुलिस ही कहती थी भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहो। अब 2022 में मुझे लगातार इतनी थ्रेट आई कि मैं मानसिक तौर पर पागल हो गया, और मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे भाई को, मेरे समर्थकों को भी थ्रेट आती थी, पुलिस के पास हम फरियाद लेके जाते थे, हमारी सुनवाई नहीं होती थी, तो मैंने इस मामले को भी हाई कोर्ट में रिट डाली हुई है।
आने और वाले दूसरी समय बात, में वे आप 3 फरवरी, जी 3 फरवरी को फिर इन्होंने मुझे, जो शिवसेना के ही नेता के अपने आप को कहलाते हैं, उन्होंने मुझे गाली निकाली, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरे समर्थकों को गाली तो निकाली इतनी अश्लील। उसके बाद मुझे मारने के लिए मेरे घर पर, मेरे गोरिया कॉम्प्लेक्स में आ गए, जिसकी फुटेज मैंने पुलिस कमिश्नर को दे दी है। तो देखो, 3 महीने हो चुके हैं, अभी अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज मैं फिर भी डीसीपी साहब से मिलकर आया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है भी आपकी तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश में बिल्कुल जो भी होगा आपको इंसाफ मिलेगा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मैं हाईकोर्ट में तो जाऊंगा ही अपनी फरियाद लेकर। लेकिन आपने इन्हीं को लेकर के यही फुटेज और पूरा का पूरा जो आपने पुलिस को सौंपा है वो उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपा है, भेजा है आपने किसी माध्यम से, उनसे अपील की है कि मैं भी आपकी सेना के लिए कभी काम करता था और आज हमारे ऊपर जो हो रहा है ये आप देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इसी तरीके से हिंदू नहीं, बचाएंगे मैंने आप, ना क्या कोई ऐसा जो सवाल आपने सेना उठाया है? के पंजाब प्रमुख है उनको मैंने सारा अपना भेज दिया है, उनको बता भी दिया है मेरे साथ ऐसा हो रहा हुआ है, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इनके ग्रुप में, ग्रुप चल रहे हैं पंजाब में, जो 2-3 ग्रुप चलते हैं अलग अलग के, तो उनको भी पता ही है जब पंजाब में क्या हो रहा है। इनका मैंने पूछा जाए इनका कारोबार क्या है, इनका कारोबार कोई नहीं है, दफ्तर रखा है, एसी चल रहा है, वहां कोई क्लर्क रखा है, कहाँ से आता है इनका धंधा, कहाँ से चल रहा है, ये तफ्तीश की जाए। ये मामला ओनली तो ओनली गनमैन के लिए करते हैं और कोई ड्रामा नहीं है। मैं तो जी कहता हूँ गनमैन तफ्तीश का के मैं लिए दूध समझा का नहीं, दूध पानी का पानी होना चाहिए। एक दूध बेचने वाला आदमी मेरी रैकी कर और रात को मुझे मरवाने के लिए जो गाड़ी में आता है और वहां आता है, और 11:47 पर ये लोग मुझे मरवाना चाहते थे, एक मेरे सवाल और दफ्तर में आपने आ जो गए, अभी मेरे घर पे कहा आ गए, जिसकी फुटेज मैंने दे दी है पुलिस को। सुभाष साहब, आपने अभी एक चीज बताई कि गनमैन के लिए ये सब करते हैं, गनमैन का मैं अर्थ नहीं समझा कि क्या गनमैन के लिए क्या करते हैं। पता नहीं क्या गनमन को लेकर जो फिरौतियां लेते हैं लोगों से, धमकाते हैं ट्रैवल एजेंट को, मसाज पार्लरों वालों को, मेरे पास लिखती शिकायतें हैं, प्रूफ है, और जल्द ही मैं जो कमिश्नर साहब को भी सौंपने जा रहा हूं, वो अलग का अलग आपको मैटर भी है। ऐसा कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी किसी ने धमकाया हो पैसे के लिए कि पैसा आप भेज दो या फिर मैं जान से कभी मार नहीं, लेंगे मुझे कभी कोई कोई? धमकी नहीं आई। आज से पहले, जो मैं आपको कह रहा हूँ, 23 नवंबर 2022 से पहले मुझे कोई भी धमकी कभी नहीं आई। 23 नवंबर से जी लगातार मुझे धमकियों का सिलसिला 2 फरवरी तक चलता रहा। और धमकी देने वाला संदीप जो खालिस्तानी है, उसने कबूला कि जो धमकियां मैं आपको देता था, जे रोहित जोशी और विनय कपूर और इनके साथी दिलवाते थे मुझे भी, तुम गोरिया को धमकियां दो, और मैं धमकियां देनियां बंद कर दिया भी, आप एक लेकिन जो इंसान, नेक आप इंसान है, सोशल वर्कर हो, मैं माफी मांगता हूं, आप मुझे माफ कर दो। उसने मुझसे माफी मांगी, जो वो भी मैंने वीडियो क्लिप सीपी साहब को सौंप दी। उसके बाद इन लोगों ने उसको धमकाया, संदीप सब कालस्तानी को, और धमकाकर कहा कि तूने धमकी देनी, जो गलत काम करना बंद कर दिया, अब गोरिया को मारकर तेरा नाम लगाएंगे, सभी को पता है तू तो धमकी देता है, और मारेंगे हम, अब देख ले उसके घर के बाहर आ गए हैं हम, अब उसको मारने आए हैं, बताइए क्या है, दूध का दूध पानी का पानी तो संदीप, साथ ही संदीप हो का गया जो ना। नाम आप ले रहे पता हैं वो संदीप कहाँ इस वक्त, पंजाब में है या फिर पंजाब से बाहर है नहीं कहाँ कहाँ का पर है, है? इन लोगों को पता है ना, वो ही धमकिया देता था मुझे, उसी ने मेरी वीडियो कॉल करके कहा कि जे लोग धमकियां आपको दिलवाते थे, अब मैंने आपको धमकी देनी बंद कर दिया, मुझे पता लग गया भी आप वो हमारे इंसान नहीं हो, अच्छे इंसान हो और सोशल वर्कर हो, मुझे माफ कर दो। उसकी वीडियो भी मैंने, वो माफी की भी मैंने अफसरों को भेजी है, तो उसको जो धमकियां देते थे उसके बाद, उसके साथ ही उसको से वीडियो कॉल लगाकर कही है, जो गोरिया कॉम्प्लेक्स में हम आ गए हैं, संदीप खालिस्तानी को इन्होंने जी बिल्कुल, यहाँ पर गोरिया को मारकर तेरा नाम लगा देंगे, पंजाब तुम पुलिस धमकियां देता को था हम एटीवी ना न्यूज चैनल देते की थे। तरफ से भी, जी, बिल्कुल, पंजाब पुलिस को एटीवी न्यूज चैनल की तरफ से भी ये अपील है कि आप निष्पक्ष जांच करें, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि जहां किसी के परिवार को धमकियां दिया जाना ये कोई खिलवाड़ नहीं है, और आज के दौर में जब वादे और दावे सरकार करती है तो ये उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है पुलिस की भी कि सुरक्षा प्रदान करे पूरी तरह से, और जो व्यक्ति आपकी शरण में आए आपके पास आए तो उसको तो और ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी भी आपको जो है तय करनी होगी। इसी के साथ आप हमारे साथ में सुन रहे थे
सुभाषी को, और जिनकी ये तकलीफ है, इतने वर्ष उन्होंने हिंदुओं के लिए जो है लड़ाई भी लड़ी, एक लंबी लड़ाई, और जिस पार्टी में रहे उस पार्टी को जो सुनवाई बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, जो निष्कासन उन्होंने खुद शुरू कर देना चाहिए था, हालांकि उसमें देरी लग रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर पुलिस जो है उनको जो है दोषी मानती है तो वो जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे और साथ ही पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई की उम्मीद भी जो है कर सकते हैं। लेकिन एटीपी की तरफ से एक सवाल ये भी है कि क्या इस देश में आजकल सही और सच्चे जो नेता हैं, जो नेतागिरी करते हैं, वो सुरक्षित हैं क्या, उनके परिवार सुरक्षित हैं क्या, वो जो बरसों जो है हमारे लिए समाज सेवा करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, चाहे वो थाने में हो या फिर किसी प्रतिनिधि के पास जाने की बात हो, तो वो जाते हैं, हम उनके लिए क्यों खड़े नहीं होते हैं? आज के दौर में ये चाहिए भी कि अगर किसी वर्ग या विशेष का कोई नेता है, अगर उसके ऊपर भी कोई दिक्कत या परेशानी उसको होती है, तो पूरे समाज को खड़े होकर के साथ देना चाहिए। तो आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम लाइव इंटरव्यू। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद।